देख सकते हैं स्क्रीन में इस तरह से आ रहा है, जिस तरह से कार्ड जिसमें टाइगर जयराम महतो का कहीं पे नाम नहीं। एक धनबाद के कुर्मी समाज के लोग हमें कहें कि टाइगर जयराम महतो को इस तरह से वहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, निमंत्रण कुछ नहीं दिया जा रहा है। बोलिए इस तरह से मंडल समाज करेंगे तो कहाँ कैसे होगा। नमस्कार जोहार, मैं भाषा खतियान आंदोलन से लगातार वीडियो दे रहा हूँ। मेरा नाम है देव महतो और जो भी झारखंड के लेकर रिगार्डिंग वीडियो देता रहता हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि टाइगर जयराम महतो के साथ आखिर भेदभाव क्यों, जी हाँ आखिर क्या भेदभाव हुआ, सारा चीज खुलकर हम बातचीत करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताते चलूं कि 17 तारीख को टाइगर जयराम महतो के गृह जिला में शहीद मनिंदर नाथ मंडल झारखंड आंदोलनकारी रहे, उनका आदमकद प्रतिमा का अनावरण है। उसमें कौन कर रहा है, कौन है मुख्य अतिथि, कौन कौन लोग आ रहे हैं आपको बताते चलें। टाइगर जयराम महतो उसी क्षेत्र के हैं और उनके विचारों को झारखंड के जितने भी आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, जो लोग राज के लिए महाजनी आंदोलन किए हैं या फिर झारखंड के हक अधिकार के लिए आंदोलन किए, साथ ही साथ देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी के लिए जान दे दिए, उन लोगों को हमेशा प्रेरणा स्रोत मानते हैं टाइगर जयराम महतो। ठीक उन्हीं लोगों का जब आदमकद प्रतिमा लगाई जाती है और अनावरण की बात आती है तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि के तौर पे और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को बुलाया जाता है। ठीक है, उन लोगों से मेरा कोई आपत्ति नहीं है कि उन लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों उन लोगों को बुलाया जा रहा, लेकिन टाइगर जयराम महतो को इस तरह से मैं देख रहा हूं बैनर पोस्टर में, मंडल समाज शहीद मनिंदर नाथ मंडल समिति के मंडल समाज के लोग वो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो इतना बड़ा जो कमिटी है वो कमिटी से एक सवाल रहेगा मेरा, क्या टाइगर जयराम महतो कुर्मी समाज के लिए सिर्फ था? उन्हें अगर आप निमंत्रण दिया है कि नहीं दिया है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो सोशल मीडिया में बैनर पोस्टर वहां का टीम का जो शेयर हो रहा है उसमें टाइगर जयराम महतो का नाम कहीं नहीं है। अब सोचिए और समझने की बात है, टाइगर जयराम महतो कभी अपने जाति और समुदाय के लिए एक के लिए लड़ाई कभी नहीं लड़ा। उन्होंने चाहता तो रेल टेका करते हैं और सब पूरे आंदोलनकारियों को और अपने साथियों को रेल टेका मिल जाते हैं और कुर्मी एसटी का मांग मिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, सारे झारखंड की जितने भी जाति समुदाय है सबको लेके चलना है और अपना झारखंड की किस तरह से भला हो, झारखंड के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सबके लिए वो सोचे। लेकिन वही क्या मंडल समाज को नहीं अभी तक पता चला है कि टाइगर जयराम महतो सभी समाज के लिए लड़ रहे हैं? क्या उन्हें जिस तरह से निमंत्रण कार्ड हर सोशल मीडिया में फैल रहा है, पता नहीं टाइगर जयराम महतो को उन लोग निमंत्रण दिए हैं कि नहीं दिए हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन में इस तरह से आ रहा है, जिस तरह से कार्ड जिसमें टाइगर जयराम महतो का कहीं पे नाम नहीं, एक दूसरा भी कार्ड नहीं बनाया गया जिसमें निमंत्रण वाला ना सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, कैसे पता चलेगा? टाइगर जयराम महतो पूरा झारखंड 2400 जिलों जगह है और झारखंड के जो लोग गुमनाम हो गए थे वीर शहीद लोग, उन लोगों को खोज कर निकाल कर सबको उजागर किए कि किस तरह से ये झारखंड आंदोलन किए हैं, कौन महाजनी आंदोलन किए हैं, कौन स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों को, क्यों, क्योंकि टाइगर जयराम महतो भी उन लोगों को प्रेरणा स्रोत मानते हैं और उन लोगों के नक्शे कदम चलते हैं। टाइगर जयराम महतो आज के आंदोलनकारी हैं लेकिन वो लोग जब झारखंड नहीं बना था, देश आजाद नहीं होता तब के आंदोलनकारी थे, और तो उन लोगों को फॉलो करते हैं किस तरह से हमें अन्याय के खिलाफ न्याय लेने के लिए लड़ाई लड़ना है उसको लेकर करते हैं। वही मंडल समाज के लोग हमारे झारखंड के जो धनबाद इलाका में, आपको बता दूं कि उनको भी जो शहीद मनिंदर नाथ मंडल जो है वो धनबाद इलाका में काफी ज्यादा चर्चित है, लेकिन मैं बता दूं कि झारखंड के कोई भी अभी आप चले जाइए, जैसे बोकारो से पार हो जाएगा रांची जिला इंटर करने लगेगा, रामगढ़ हजारीबाग सिमडेगा खूंटी लातेहार चतरा पलामू नहीं कोई जानता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी, लेकिन टाइगर जयराम महतो जब से फेसबुक सोशल मीडिया में हर ऐसे आंदोलनकारी सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनके यहाँ जाकर श्रद्धांजलि देना, पुण्यतिथि में जाना, जयंती में जाना, सोचिए हर जगह पर जाकर जब उनका इतना आदमकद मूर्ति अनावरण हो रहा है और उनको सोशल मीडिया में नहीं देख रहा हूँ, चीफ गेस्ट नहीं कम से कम अतिथि के रूप में तो आए, मुख्य अतिथि नहीं एक अतिथि के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो भी वही कार्य कर रहे हैं जो शहीद मनिंदर नाथ महतो, विनोद बिहारी महतो, शहीद मनिंदर नाथ मंडल महतो नहीं है, और विनोद बिहारी महतो, शक्तिनाथ महतो, विनोद बिरसा मुंडा, चांद भैरव, सिद्धू कानू, जितने भी झारखंड के आंदोलनकारी हो या स्वतंत्रता सेनानी हो,
उन लोगों का कहीं ना कहीं नक्शे कदम भगत सिंह के नक्शे कदम में चलने वाले टाइगर जयराम महतो है। वही जब उनके निजी जिला उनके बगल के क्षेत्र में धनबाद के डीसी ऑफिस के पास हवाई अड्डा के पास आदमकद प्रतिमा सहित मनिंदर नाथ मंडल का लगाया जा रहा है, जिसमें टाइगर जयराम महतो का कहीं नहीं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में। आखिर ऐसा क्यों? क्या मंडल समाज नहीं जागा है? झारखंड में इतना आंदोलन हो रहा है, उसमें मंडल समाज भागीदारी नहीं निभा रहे हैं क्या? आप लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, क्या टाइगर जयराम महतो कितने बहुत सारे ऐसे अलग अलग जिला में जाकर आदमकद प्रतिमा का अनावरण खुद अपने हाथों में कर कमलों द्वारा दूसरे जिला के लोग उन्हें बुलाकर कार्यक्रम कराते हैं? वही उनके निजी जिला के कुछ ऐसे दादा लोग निमंत्रण दिए हैं या नहीं दिए उन्हें, लेकिन सोशल मीडिया में कहाँ दिख रहा है? कैसे पता चलेगा कि टाइगर जयराम महतो वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हम मानते हैं राज्य के मुखिया हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो के भी लोग चाह रहे हैं कि आने वाले 24 में वो मुख्यमंत्री बने। राजनीति अपनी जगह रहती है, सबकी विचारधारा अपनी जगह रहती है, लेकिन जब सामाजिक बात होती है, सामाजिक चीज होती है, तब सबको एकत्रित होना है। और कहीं ना कहीं शहीद मनिंदर नाथ मंडल जो पूरे समाज के लिए थे, आपसे आग्रह रहेगी पूरे टीम से पूरे राज्यवासियों से कि इस तरह से भेदभाव ना किया जाए। अगर निमंत्रण दिए हैं तो भी सोशल मीडिया में उजागर किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला है। सिर्फ देख रहा हूं कि शहीद मनिंदर नाथ मंडल का अगर जयंती हो या पुण्यतिथि हो तो टाइगर जयराम महतो प्रेजेंट रहेंगे, वही जब आदमकद प्रतिमा लगाने का हो तो टाइगर जयराम महतो को भुला दिया जाता है। तो जागने और समझने की बात है कि टाइगर जयराम महतो कोई जाति समुदाय का नहीं है, पूरे झारखंड वासी के हैं। तो मंडल समाज के लोगों से भी ये आग्रह रहेगा कि टाइगर जयराम महतो वो चीज है जो झारखंड के और भी आंदोलनकारी रहे थे उनके नक्शे कदम में टाइगर जयराम महतो चल रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर टाइगर जयराम महतो के देख सकते होंगे कि किस तरह से दूसरे जिलों में के लोग, अलग अलग जगह के लोग, जब वहां के शहीद वीर शहीद या आंदोलनकारी रहे उन लोगों को जब प्रतिमा अनावरण होता है या फिर कार्यक्रम होती है तो टाइगर जयराम महतो को निमंत्रण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टाइगर जयराम महतो भी उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे सीख लेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे कैसे किए थे नहीं किए थे तब। तो धनबाद जिला के देखा मैं इस तरह से बैनर पोस्टर आया है हमें सोशल मीडिया में, और कुछ हमें कुर्मी समाज के लोग बोले कि इसको लेकर वीडियो बनाओ। टाइगर जयराम महतो को हमेशा रेल टेका के लेकर कभी नहीं, अपने समाज के लेकर कभी नहीं आते हैं। वो हमेशा कहते हैं समाज के लोग वो अपने करेंगे, लेकिन मैं झारखंड के लिए पूरे राज्य के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए पूरा समाज को और पूरे राज्य को प्रतिनिधित्व करूंगा। लेकिन देखिए किस तरह से धनबाद के मनिंदर नाथ मंडल का जब मूर्ति अनावरण होता है तो टाइगर जयराम महतो का कहीं नाम चिन्ह नहीं नजर आ रहा है, तो इसको लेकर वीडियो बनाए। तो मैं हमेशा बात रखते रहता हूँ, इसीलिए मैं अपना विचार रखा कि अगर निमंत्रण दिए हैं तो उजागर कीजिए, और नहीं दिए हैं तो आखिर क्यों नहीं? क्या टाइगर जयराम महतो उनके विचारधारा से पुण्यतिथि और जयंती मनाने तक सीमित रहेंगे? और उसी जिला के उसी क्षेत्र के हैं और कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदम में और उनको उन प्रेरणा लेते हैं ऐसे ऐसे आंदोलनकारियों से। और दूसरे जिला जाइए और देखिए टाइगर जयराम महतो किस तरह से बुलाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं साजिश हो रहा है, इसको लेकर आवाज उठानी चाहिए। मैं अपने स्तर पर आवाज उठाया, अगर नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो उजागर कीजिए क्या हुआ है मामला, सारा चीज खुलासा होगा। लगातार इस तरह की खुलासाएं होनी चाहिए कि आखिर क्या मामला है। भले आप विचार विरोधी हैं जो भी हैं, लेकिन सब अपने अपने स्तर पर हर चीज हर लोगों को हक अधिकार के लिए लड़ता है। और कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो सही नक्शे कदम में चल रहे हैं, तभी उनके पास इतना लोगों का हुजूम है। आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि सच्चाई क्या है, खुलासा कीजिए, क्यों आखिर टाइगर जयराम महतो को अतिथि के रूप में भी न बुलाया जा रहा है, कहीं बैनर पोस्टर में उनका नाम नहीं है। बाकी अपडेट देता रहूंगा, ये मुझे दिल में ठेस लगी। और कुछ धनबाद के कुर्मी समाज के लोग हमें कहें कि टाइगर जयराम महतो को इस तरह से वहां इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, निमंत्रण कुछ नहीं दिया जा रहा है, बोलिए इस तरह से मंडल समाज करेंगे तो कहां कैसे होगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा, दादा लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो खुलासा कीजिए कि आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। बाकी अपडेट देता रहूंगा। जय झारखंड, ज्वार झारखंड।